वेलकम बैक टू पढ़ाई मेड इजी एंड आज हम स्टार्ट करने वाले सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन का पार्ट 9। देखते हैं कि आगे क्या होता है रशिया में। अब तक हमने जो है पार्ट 8 में देखा था कि किस तरीके से जो है रशिया की स्थिति, हमने देखा था कि जो है ब्लडी संडे हो चुका था रशिया में। जो है सार ने क्या किया था, कुसाक्स कोर पुलिस को भेज दिया था, लगभग 100 वर्कर्स मारे गए थे, 300 वंडेड हुए थे। ये सब 1904 की जो है घटना है। और इसके बाद जो है क्या होता है, 1905 का रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। ड्यूरिंग द 1905 रिवॉल्यूशन द सार अलाउड द क्रिएशन ऑफ डूमा एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। तो चूंकि लोगों की डिमांड क्या थी कि अब जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए और जो है देश कैसे चलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए, तो सार ने थोड़ा सा जो है पब्लिक की पॉपुलर डिमांड को देखते हुए, प्रेशर को देखते हुए क्या किया, उसने एक डूमा को क्रिएट कर दिया। डूमा क्या थी, वहाँ की एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट थी। मतलब एक तरीके से जो है उसने लोगों की डिमांड को थोड़ा सा जो है दिखाते हुए कि मैं मान रहा हूँ, और उसने क्या किया, डूमा क्रिएट कर दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री वर्कर्स कमिटीज एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अच्छा, इस पीरियड में क्या थी, जो है ढेर सारे जो है, यहाँ पे दिस स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग है, यहाँ पे एक्चुअली इस पीरियड में क्या थे, ढेर सारे जो है, अब तक हमने देखा था 1904 में वो लगभग क्या नाम है, कई सारे यूनियन, ट्रेड यूनियंस बन चुके थे। वो जो चार वर्कर निकाले गए थे उनकी वजह से अचानक से ढेर सारे जो है ट्रेड यूनियन की बाढ़ आ गई थी, तो बहुत सारे लोग जो है ट्रेड यूनियन बनाने लगे थे, बहुत सारे लोग अपना अपना यूनियन बनाने लगे थे। तो उसी का नतीजा ये हुआ कि इस पीरियड में जो है बहुत सारे ट्रेड यूनियन और बहुत सारे फैक्ट्री वर्कर्स की कमिटीज़ जो है एग्जिस्ट करती थी। लेकिन आफ्टर 1905 क्या होता है, सारे के सारे ऐसे यूनियंस को क्या किया जाता है, इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। बट आफ्टर 1905 ऑल सच यूनियंस वर डिक्लेयर्ड इलीगल एंड सीवियर रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन देम, दस दे हैड टू वर्क अनऑफिशियली। तो इस तरीके से अब जो बचे खुचे भी थे, जो बेचारे जो है मतलब कुछ तो डर के हमारे बंद कर दिए होंगे, पर जो बचे खुचे थे उनको अनऑफिशियली जो है काम करना पड़ता था, ऑपरेट करना पड़ता था। मतलब वो ऑफिशियली ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे ट्रेड यूनियंस को 1905 के बाद इलीगल भी घोषित कर दिया था सार ने। मतलब मौका पाते ही उसने जो है चौका मारना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उसने डूमा को भी जो है फिर से क्या किया, डिसमिस कर दिया। 75 दिन के अंदर ही 75 डेज तक डूमा चली। जब उसने देखा माहौल थोड़ा शांत है, माहौल जो है अब लोगों को जो है मतलब फिर से रास्ते पिलाया जा सकता है, तो उसने क्या किया, फर्स्ट डूमा को डिसमिस कर दिया विद इन 75 डेज। उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी और अपनी पावर को कम होने नहीं देना चाहता था। एंड दिस सेकंड डूमा वाज री इलेक्टेड विद इन 3 मंथ्स। और चूंकि भाई पॉलिटिकल रूलर था तो दिमाग उसके पास था कि पब्लिक फिर से भड़के ना, तो उसने तीन महीने के अंदर ही दूसरी डूमा भी क्रिएट कर दी। एज दिस सार डिड नॉट वॉन्ट एनी क्वेश्चन ऑन हिज अथॉरिटी एंड रिडक्शन इन हिज पावर, क्योंकि अपने जो है अथॉरिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं चाहता था और अपनी पावर में कोई रिडक्शन नहीं चाहता था। ही चेंज दी वोटिंग लॉ एंड पैक्ड दी थर्ड डूमा विद कंजर्वेटिव एंड दी लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। अच्छा, उसने किया क्या, उसने जो है तीसरी डूमा भी क्रिएट की। तीसरी डूमा में क्या किया, खाली कंजर्वेटिव्स को जगह दी और किसी को जगह नहीं दी। जितने भी नेता, जितने भी पॉलिटिशियन ऐसे थे जो कंजर्वेटिव हुआ करते थे, जिनको लगता था नहीं चेंज अच्छी बात नहीं है, चेंज बदलाव नहीं होना चाहिए, है ना, उन लोगों को क्या किया, उसने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और बाकी लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज को बाहर कर दिया कि चलो तुम निकलो, तुम लोग जो है बहुत ज़्यादा बदलाव लेने आए हो, चलो निकलो तुम लोग। उन लोगों को खदेड़ के बाहर कर दिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर। अच्छा, उसके बाद जो है ये तो था 1905 के बाद की बात, कहानी चलती रहती है रशिया में, इधर उधर थोड़ा बहुत चलता रहता है, तब तक सार निकोलस जो है सेकंड पहुंच जाता है। अच्छा, ये सब कहानी जो है सार निकोलस सेकंड के दौरान, जब 1914 की स्थिति पहुंचती है धीरे धीरे, 1905 से लेके 1914 तक मामला जो इस तरीके से रशिया में चलता रहता है, छिटपुट मामले, हल्का फुल्का रिवोल्यूशन, ये सब चलता रहता है। हालांकि जो है अब एंटी सारिस सेंटिमेंट जो है लोगों के अंदर था। तो अब जो 1914 आता है, 1914 में जो है युद्ध छिड़ जाता है भाई, वर्ल्ड वार छिड़ जाता है। उसमें दो पावर, जो दो महाशक्तियाँ होती हैं, एक होती है यूरोपियन अलायंसेस में जो होते हैं वो, मतलब दोनों यूरोपियन अलायंस होते हैं, एक होता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी, बुल्गारिया एंड ऑटोमन एम्पायर। एक्चुअली में जर्मनी, ऑस्ट्रिया जो है और हंगेरी, ये जो है शुरुआत में लड़ रहे होते हैं, बुल्गारिया एंड ऑटोमन एम्पायर ये सब जो है बाद में ज्वाइन करते हैं। ये सेंट्रल पावर्स के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरा ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स में शुरुआत में कौन थे, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ये तीन लोग एक तरफ से लड़ रहे थे, यानी एलीड पावर्स के नाम से ये लोग लड़ रहे थे। और बाद में इनको कौन कौन ज्वाइन करता है, इटली ज्वाइन कर लेते हैं, रोमानिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, ये लोग भी इस लड़ाई में जुड़ जाते हैं।
दिस आर रिफ्यूज टू कंसल्ट दी मेन पार्टीज इन डुमा। भाई लोगों की लोगों का कहना था ये कि अब वर्ल्ड वार की स्थिति है और जो है सार को किससे डिस्कस करना चाहिए, डूमा के लोगों से, डूमा के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे डिस्कस करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए कि आखिर में वार कैसे लड़ा जाए कि ना लड़ा जाए, इस पे जो है लोगों का मत था। पर सार ने कहा नहीं, हमको किसी से जो है कंसल्ट नहीं करना। एंटी सारी सेंटिमेंट रैन अमंग दी पीपल। अच्छा, अब सार के खिलाफ जो है मतलब एक एंटी सेंटिमेंट लोगों के अंदर बढ़ चुका था। कारण भी इसका क्या था, उसका जर्मन ओरिजिन उसका कारण था, क्योंकि लड़ाई भी किससे चल रही थी, जर्मनी वालों से जो है मतलब जो है चल रही थी। रशिया की लड़ाई किससे चल रही थी, जर्मनी वालों से चल रही थी, उसका जर्मन ओरिजिन था और इसकी वजह से एंटी सारी सेंटिमेंट भी लोगों में फैल गया। एक और जो है इसका एग्जाम्पल देखा जा सकता है कि उन्होंने क्या किया था, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जो कि एक जर्मन नाम था उसको उठा के पेट्रोग्राड कर दिया था, मतलब नाम चेंज कर दिया कि हम लोग जो है अब जर्मन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। फिर बाद में जो है 1991 में फिर से इसको जो है पेट्रोग्राड को चेंज करके फिर से सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया जाता है। आजकल सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से ही जाना जाता है उसे। फिर आ जाते हैं, अब जो है वर्ल्ड वार शुरू हो चुका होता है। वर्ल्ड वार में भाई रशिया थोड़ा सा जो है बैकफुट पे होता है और स्थिति क्या होती है कि रशिया की आर्मी जो क्या करती है, गड्ढे उड्ढे खोद के लड़ाई लड़ती है, लेकिन जो रशियन एनिमी की आर्मी है वो मतलब बहुत ही तेज़ी से वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, रशिया के तमाम जो है इलाके में घुस भी चुके होते हैं। इससे क्या होता है कि रशिया जो है बुरी तरीके से हार जाता है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों जगहों पे बुरी तरीके से हार जाता है। जर्मनी में भी उसकी हार होती है और ऑस्ट्रिया में भी उसकी हार होती है 1914 से लेकर 1916 में। रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड दी क्रॉप्स एंड बिल्डिंग सो दैट एनमी कुड नॉट लिव ऑफ, सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉट होना चाहिए था, सो दैट द एनमी कुड नॉट लिव ऑफ द लैंड, सॉरी ऑफ होना चाहिए था, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सार ऐसा ऑर्डर करता है कि काम करो, सारी बिल्डिंग्स को, सारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दो ताकि जो एनमी की आर्मी है उसको जो है खाने पीने की और रहने की जगह नहीं मिलेगी, तो लोग रह ही नहीं पाएंगे, फिर अपने आप ही छोड़ के चले जाएंगे। मतलब ये उसकी एक पॉलिसी थी और पर ये पॉलिसी जो है लोगों को काफ़ी पसंद नहीं आती है, क्योंकि इस पॉलिसी के कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं बहुत ही डेंजरस हो जाते हैं। कैसे, उसकी वजह से क्या होता है, लगभग 3 मिलियन रिफ्यूजी क्रिएट हो जाते हैं रशिया में। मतलब भाई जहाँ पे बिल्डिंग्स और जहाँ पे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय की गई वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, 30 लाख लोग जो है बेघर कर दिए जाते हैं, 30 लाख लोग जो है बेचारे रिफ्यूजी इधर उधर जो है शेल्टर की खोज में, फूड की खोज में घूम रहे होते हैं। सोल्जर्स भी बेचारे जो है इस तरीके की स्थिति देख के उनको भी लगा कि ये मतलब डिमोरलाइज हो गए, उनको लगा कि ये लड़ाई तो लड़ना बेकार है, ऐसी लड़ाई तो हम नहीं लड़ना चाहते हैं, उनको भी लगा कि अब लड़ाई लड़ना बेकार है। रशियन इंडस्ट्रीज़ वर बैडली अफेक्टेड ड्यू टू वार, रशियन इंडस्ट्री भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है लड़ाई की वजह से, है ना, क्योंकि तमाम सप्लाईज बंद हो जाती हैं। रशिया के पास इंडस्ट्री कितनी थी, बहुत कम थी उस समय, इंडस्ट्री तो बहुत ही रेयरली थी, बहुत ही कम थी, ज़्यादातर जो है स्मॉल वर्कशॉप्स हुआ करते थे, वो भी बेचारे सब बंद हो गए। इवन द रशियन रेलवे स्टेशन ऑल्सो स्टार्टेड टू ब्रेक डाउन, यहाँ तक कि रेलवे लाइन भी जो है टूटना शुरू हो गई, क्योंकि भाई सप्लाईज बंद हो चुकी थी और जो है देख रेख बंद हो चुकी थी धीरे धीरे। भाई अगर किसी की रिपेयरिंग की जो है बार बार नहीं की जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे वो ख़राबी हो जाएगी। तो रशियन रेलवे लाइन भी जो है 1916 तक डिग्रेड होना शुरू कर दी थी, टूटना शुरू कर दी थी। एबल बॉडीड मैन और कॉल टू फाइट दी वार, अच्छा जितने भी स्ट्रेंथ वाले लोग, ताकत वाले लोग जो है फिर यंग पीपल थे, उनको क्या किया, लड़ाई के लिए भेज दिया गया, पकड़ के उनको लड़ाई में भेज दिया गया। अब इससे क्या होगा, रशिया में लेबर शॉर्टेज भी हो गया, लेबर शॉर्टेज एक तो ऑलरेडी सप्लाई बंद थी ही, दूसरी लेबर शॉर्टेज भी हो गई, यानी कि अब इंडस्ट्री एकदम से ऐसी की तैसी, पूरी तरीके से इंडस्ट्री तबाह हो रही थी। स्मॉल वर्कशॉप्स शट डाउन, छोटे छोटे वर्कशॉप जो रशिया में थे, जो एक्चुअली में रशियन इंडस्ट्री कहलाती थी, वो भी धीरे धीरे बंद होने लगे। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड दी आर्मी, ढेर सारा जो अनाज जो है वो आर्मी को खिलाने के लिए भेजा जाता था, यानी जो है लोगों के पास खाने की भी चीज़ें नहीं रहने लगी। दस दी प्राइसेस ऑफ फूड बिगेन टू राइज इन द मार्केट, और इस तरीके से मार्केट में जो है प्राइसेस ऑफ फूड बहुत तेज़ी से रशिया में बढ़ने लगी। यही सेम स्थिति हमने फ्रांस की देखी थी ना, प्राइसेस ऑफ फूड सबसे बड़ी बात थी रिवोल्यूशन की, है ना। यहाँ भी रशिया में वही स्थिति हो गई कि प्राइसेस ऑफ फूड यहाँ भी बढ़ गए, वहाँ भी ब्रेड के लिए ही लड़ाई हुई थी, फ्रांस की भी जनता को जो भूखों मरने लगी और उसके पास खाने को जो कुछ नहीं होने लगा, बहुत ज़्यादा जो है ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए, तो लोग क्या करते थे, ब्रेड की दुकानों पे जो है बवाल करना शुरू कर दिए, मारपीट करना शुरू कर दिए, आग लगा देते थे दुकान में। यही कहानी जो है रशिया में शुरू हो जाती है, फूड प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं।
एंड बाई दी विंटर ऑफ 1916 रॉयट्स कुड बी सीन कॉमनली ऑन दी ब्रेड शॉप्स, और ब्रेड शॉप्स पे रॉयट यानी आए दिन दंगा जो है देखा जा सकता था। ये मतलब एक कॉमन सी जो है साइट हो चुकी थी पूरे रसिया की। तो ये तो था जो है आ चुके हैं हम जो है रशियन रेवोल्यूशन के मतलब जो है एंड मोमेंट तक पहुँच चुके हैं। चलिए देखते हैं कि फाइनली क्या होता है अगले पार्ट में। सो वेट फॉर पार्ट 10, होप आई अपडेट इट टुमारो ओनली। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, पढ़ाई मेड इजी। और हाँ, थोड़ा सा जो है अपने दोस्तों से इसको ज़रूर शेयर करिए ताकि जो है उनको भी इसका बेनिफिट मिलता रहे।